हमारे बीच में परम पूज्य जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्री धराचार्य जी महाराज जो अयोध्या से इस 3 दिवसीय हनुमंत कथा के लिए इस बाइंदर नगरी में पधारे हैं। आपका एक बार पुनः जांजरिया हनुमान सेवा समिति की ओर से और हम सभी भक्तगण श्रोतागण की ओर से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक दिन पहले दिवस का कार्यक्रम जो कथा के रूप में हमें हनुमान जी की महिमा का रसपान हुआ, आज दूसरा दिन हम हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। स्वामी जी के श्रीमुख से हमें बहुत ही बढ़िया गागर में सागर भरते हुए कथा का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जो स्वामी जी हजारों कोस दूर से अयोध्या से पधारे हैं उनके बारे में हम 2 मिनट जानते हैं। देखो क्या होता है, कोई हीरा हो उसकी पहचान एक जौहरी ही कर सकता है। अगर हमारे पास वो हीरा आए तो हम उसे कांच का टुकड़ा समझ देते हैं, तो वो जौहरी ही उसकी पहचान करता है। तो वैसे ही हमारे सामने जो बैठे संत है वो कौन है, आइए 2 मिनट सुनते हैं। परम पूज्य जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्री धराचार्य जी महाराज असरपी भवन अयोध्या से हमारे बीच में पधारे हैं। तो सर्वप्रथम तो एक बार फिर से जांजरिया हनुमान सेवा समिति और सभी भक्तगण की ओर से स्वामी जी हम आपका तहदिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय भारतीय ऋषि परंपरा के ज्योतिमठ नक्षत्र है। मात्र देखिए 11 वर्ष की आयु, जिस आयु में हम खेलते कूदते हैं उस मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में संपूर्ण गीता कंठस्थ स्वामी जी ने की है। सबसे पहले जोरदार तालियां, मात्र 11 वर्ष में संपूर्ण गीता को कंठस्थ करना, अरे हम तो पढ़ भी नहीं पाते शायद, अब तक तो कई लोगों ने गीता देखी भी नहीं होती है 11 साल में, और 11 साल की उम्र में संपूर्ण गीता का कंठस्थ करके गीता शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत आप हुए हैं। आपकी साधुता सच्चरित्रता विद्वता से प्रभावित होकर परम पूज्य बैकुंठवासी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री माध्वाचार्य जी महाराज ने 1995 में असरपी भगवत अयोध्या पीठ का युवराज आपको मनोनीत किया है, जोरदार तालियां हो जाए। और संस्कृत वाक स्पर्धा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करके आपने 2 स्वर्ण जो गोल्ड मेडल कहते हैं 2 स्वर्ण पदों से आप अलंकृत हुए हैं, वापस जोरदार तालियां बजा दीजिए। और पांडव गीता का हिंदी अनुवाद तथा नित्य आराधना विधि पुस्तकों का लेखन भी आपने किया है। और 21 अगस्त 2006 की असरपी भवन अयोध्या में देश के प्रधान साधु संत महंत आचार्य धर्माचार्य उन सभी ने आपको जगत गुरु रामानुजाचार्य के महान पद से अलंकृत किया है। तो हमारे बीच में कोई साधारण संत नहीं पधारे हैं, कौन पधारे हैं, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्री धराचार्य जी महाराज। और वर्तमान में 10 संस्थाओं के अध्यक्ष है, संचालक है, और श्री रंग मंदिर वृंदावन के आप ट्रस्टी भी है। हम सब तो अपने घर को भी नहीं संभाल पाते हैं स्वामी जी, 10 संस्थाओं के अध्यक्ष है, और सिर्फ देश इस देश ही नहीं विदेशों में भी असंख्य ऐसी सभाओं का आयोजन और कथा का लाभ प्राप्त करवाते हैं और इस सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। और आज हमारे भाग्य है कि 3 दिवसीय इस हनुमंत कथा में हमारे बीच में हमें श्री श्री धराचार्य जी महाराज के दर्शन और उनके मुखवाणी से इस हनुमंत कथा का हमें लाभ मिल रहा है। तो आपका एक बार पुनः हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले तो देखो स्वामी जी यहाँ पर पधारे तो हमें कैसा लगता है, मैं 2 पंक्तियों के द्वारा आप सभी को सुनाने जाऊंगा कि जो आसमान में नजर आते हैं सितारे, जो आसमान में नजर आते हैं सितारे, और गुरुदेव आपके यहाँ पर पधारने से हमारे हो गए वारे न्यारे। आप यहाँ पधारे तो हमें ऐसा लगा, आप यहाँ पधारे तो हमें ऐसा लगा कि जैसे सुदामा के घर पे श्री कृष्ण पधारे, जैसे सुदामा के घर पे श्री कृष्ण पधारे। तो आपके चरणों में तो हम इतनी ही हम सभी श्रोतागण हम सभी भक्तगण प्रार्थना करेंगे कि स्वामी जी तुम्हारी प्यार भरी एक नजर मिले तो काफी है, स्वामी जी तुम्हारी प्यार भरी एक नजर मिले तो काफी है, नहीं तो तुम्हारे दिल कहरी एक लहर मिले तो काफी है। गुरुदेव तुम्हारे दिव्य प्यार में पागल आज हमें कर दो, पल पल तर्पण की मौज मिले
ये जीवन भर तो कापी है। रहना मुझे ही में आप सदा, रहना मुझे ही में आप सदा, धड़कन की बाती है स्वामी, तुम मधुर याद में खो जाओ, तन पलट जाए तो काफी है, तन पलट जाए तो काफी है। बस हमारे ऊपर सदा आपका आशीर्वाद रखना, क्योंकि हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि यह तन विष की बैलरी गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बैलरी और गुरु अमृत की खान, अरे शीश दिए और गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए और गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो हमने तो सिर्फ अपना 3 घंटा दिया है और यहाँ पर हमारे बीच में जगत गुरु पधारे हैं, तो एक बार पुनः उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आइए एक बार फिर इस दूसरे दिवस की हनुमंत कथा आप करें, रोशन पूरे मीरा भाईंदर को करें। भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए आज के इस हनुमंत कथा का पुनः श्री गणेश करे। स्वामी श्री श्री धराचार्य जी महाराज से निवेदन, आइए आप आज एक बार फिर दूसरे दिवस हम सभी के ऊपर अपनी अमृतवाणी से हनुमंत कथा का रसपान कराएं और बहुत ही भव्यता, बहुत ही दिव्यता से जो आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है वो भी आज हमें मनाकर आप हमारे ऊपर उपकार कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।